हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी फोटो को 3D कार्टून में कैसे बदल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपने वोइला प्रो ऐप को ओपन कर लेना है। इसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपने 3D कार्टून के साथ वाले एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से गैलरी पे चले जाना है। गैलरी पे चले जाने के बाद आप कोई भी फ़ोटो अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्टून 3D लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको साइड पे स्क्रॉल करना है और ये थर्ड वाली जो इमेज आएगी आपको उसे यहाँ से सेव कर लेना है। सो गाइस, अब उसके बाद आपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है और जो इमेज अभी आपने वोइला प्रो ऐप से सेव की उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पे टूल्स पे जाएंगे और यहां से क्लोन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आपने यहां जो कलर पिकर ये जो दिया है, इसको यहां पे जहां से आप ये लोगो हटाना चाहते हैं उसके पास क्लिक करना है और यहां से लोगो इसको इमेज को थोड़ा जूम कर लेना है। अब यहां से आप इसको इस तरह से रिमूव कर लें। आप इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा सकते हैं, बस आपको इस तरह से इसको यहाँ से हटा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको इस इमेज को सेव कर लेना है और अब आपकी इमेज रेडी है, तो आप इसे अब जहाँ भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं।